सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सारयां दा एक बार फिर तो आई न्यूज़ पंजाब दीआं खबरां विच स्वागत है। तुसी इत्थे हर खबर एक एक करके विस्तार विच जाणोगे, पर उस तो पहला तुहानू सब नू एक बेनती है कि इस वीडियो नू लाइक करो ते पूरा जरूर देखो। आओ जानदे हां अज दी पहली वड्डी खबर, पंजाब विच दाखल होने वाले यात्रियों लई अहम खबर, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दी नहीं हो रही चेकिंग। जी हां दोस्तों, तुहानू दस दईए कि कोरोना दे वधदे प्रकोप नू वेखदे होए सूबियां वल्लों फैसला कीता गया है कि बाहर तो आने वाले यात्रियों नू कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट विखाउणी होवेगी तां ही सूबियां विच दाखला मिलेगा। इस रिपोर्ट दे बिना हिमाचल प्रदेश विच दाखल होना संभव नहीं है, जिस कारण हिमाचल विच जाण वाले लोकां नूं दिक्कतां पेश आ रहियां हन, क्योंकि बॉर्डर ते हिमाचल पुलिस वल्लों सख्ती नाल पहरा दित्ता जा रहा है। उत्थे ही हरियाणा, चंडीगढ़ अते उत्तराखंड जाण वाले यात्रियों दी कोरोना नैगेटिव टैसट रिपोर्ट दी कोई चैकिंग नहीं कीती जा रही। बसां राहीं आउण वाले लोकां नूं इस तों राहत मिल रही है। अपने निजी वाहन ते जाण वालियां दा कहना है कि उत्तराखंड दे कुछ बॉर्डरां ते कुछ दिन पहला टैसट रिपोर्ट दी मंग कीती गई सी। पंजाब विच दाखल होने वाले नूं भी वड्डी राहत मिली हुई है, बिना टेस्ट रिपोर्ट दे पंजाब विच आसानी नाल लोक आ जा रहे हन। पंजाब दे सरकारी स्कूलां दे अध्यापकां लई बेहद जरूरी खबर, जारी होए इह सख्त हुकम। जी हां दोस्तों, तुहानू दस दईए कि सरकारी स्कूलां विच तैनात उन्हां अध्यापकां लई इह खबर अति महत्वपूर्ण है जिन्हां दा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार कोई निजी स्कूल चला रहा होवे जां फिर किसी भी निजी स्कूल दी मैनेजमेंट कमेटी दा मैंबर भी है। इस तरहां दे अध्यापकां लई स्कूल सिक्ख्या विभाग ने अहम निर्देश जारी किते हन कि उन्हां दी तैनाती जां तबादला उपरोक्त निजी स्कूल तो 15 किलोमीटर दी दूरी तो बाहर होवेगा। मतलब उन्हां दी तैनाती उपरोक्त स्कूल दे 15 किलोमीटर एरिए विच नहीं कीती जावेगी। दस दईए कि सिक्ख्या विभाग वल्लों ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी अप्लाई करदे होए इस वार इच्छुक अध्यापकां दीआं ऑनलाइन ट्रांसफर कीती गई है अते समें समें ते गाइडलाइंस जारी कीतीआं जांदीआं हन। इस लड़ी तहत जारी एक पत्र विच विभाग वल्लों स्पष्ट कीता गया है कि जेकर किसी टीचर दे किसी रिश्तेदार मतलब पति पत्नी बेटा बेटी कोई निजी स्कूल चला रहे हन जां उन्हां विचों कोई एक इस तरह स्कूल दी प्रबंधन समिति दे मैंबर भी हन तां उन्हां ते इह हुकम लागू होणगे। पंजाब दे विद्यार्थियों लई खुशखबरी, पंजाब कैरियर पोर्टल राही मिलेगा रोजगार। जी हां दोस्तों, तुहानू दस दईए कि पंजाब दे विद्यार्थियों नू बेहतर कैरियर चुनने विच सहायता लई पंजाब सरकार दा सिक्ख्या विभाग पंजाब कैरियर पोर्टल दी शुरुआत करन जा रहा है। इस पोर्टल जरिए विद्यार्थी घर तों ही कैरियर ते रोजगार नाल जुड़े बेहतर विकल्प नू लब सकणगे। दस दईए कि पोर्टल यूनिसेफ, एनजीओ आकाश फाउंडेशन अते टाटा पावर वल्लों चलाया जा रहा है। इस विच देश भर ते विदेशां विच घट्टो घट 450 कैरियर विकल्प होणगे। 21,000 कॉलेज अते पेशेवर संस्थावां बारे जानकारी होवेगी। इस तों इलावा 1,150 प्रवेश प्रीख्यावां ते 1,200 स्कॉलरशिप दे वेरवेआं तों इलावा होर बहुत कुछ होएगा। पोर्टल ते लाइफ स्किल दे नाल सिलेबस नूं एकीकृत करन ते विशेष ध्यान दित्ता जावेगा। सरकारी अधिकारियां ने दसिया कि यह पोर्टल 9वीं तो 12वीं जमात दे 8.50 लख तो वध सरकारी स्कूली विद्यार्थियों नू स्कूल पद्धर तो उच्च सिक्ख्या ते काम लई निर्विघन अगे वधण दे योग बनाएगा। कोरोना ने बिगाड़ी मोदी सरकार दी गिनती मिणती, वड्डियां बजट योजनावां नूं झटका। जी हां दोस्तों, तुहानू दस दईए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा वित्तीय साल दा बजट पेश करन तों पहलां कहा सी कि इह पिछले 100 सालां विच सर्वोत्तम बजट होवेगा। इस विच बुनियादी ढांचे ते सिहत संभाल विच निवेश वधाउण, निजीकरण दी गति नूं तेज करन ते टैक्स एकत्र करन विच वाधा करन दे प्रबंध कीते गए सन। बजट
बजट विच जीडीपी दे 10.5% दे वाधे दा अनुमान लगाया गया सी। उस समय कोरोना केसां विच कमी अते खपतकारां दी मंग विच वाधे कारण आर्थिकता मुड़ ली ते जापदी सी, पर कोरोना दी दूजी लहर कारण सारे समीकरण विगड़दे जापदे हन। हुण भारतीय आर्थिकता ते करजा वधदा जा रहा है अते पूरी दुनिया तो निवेशकां ने इस दीआं संभावनावां ते सवाल उठाउणा शुरू कर दिता है। इस दा निवेश ग्रेड रेटिंग एजेंसियां वल्लों घटाया जा सकता है। इस हफ्ते दे शुरू विच मूडीज ने कहा सी कि भारतीय आर्थिकता थोड़े समय विच घट सकती है। एजेंसी ने अपने जीडीपी अनुमान नूं 13.7 तो घटा के 9.3 कर दिता सी। ट्रैक्टर खरीदन ते मिलेगा 1,00,000 रुपए का सेहत बीमा, महिंद्रा एंड महिंद्रा का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि कोरोना वायरस के वधदे प्रकोप दौरान खेती उपकरण बनाने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी कंपनी का ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों लई वड्डा ऐलान किया है। कंपनी ने फैसला लिया है कि उन्हां दा नवा ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों नू 1,00,000 रुपए का सेहत बीमा मुहैया करवाया जाएगा। कंपनी अपने एमपुर टेस्ट COVID-19 प्लान विच नवे गाहकां लई इह स्कीम जारी कीती गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक बयान विच कहा, एमपुर टेस्ट COVID-19 प्लान महिंद्रा दे मई 2021 विच खरीदे गए ट्रैक्टरां दी पूरी रेंज उपलब्ध होवेगी। कंपनी दे प्रेजिडेंट हेमंत सिक्का ने कहा, एमपुर टेस्ट COVID-19 प्लान किसानां लई पेश कीती गई नवी पहल है। एमपुर टेस्ट दे नाल सानू उम्मीद है कि इह साडे किसानां नूं तंदरुस्त जिंदगी देण विच मदद कर सकदा है। WHO दी चेतावनी, देर तक कम करन दी आदत विच करो बदलाव, एह है खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि एह खबर उन्हां सारे लोकां लई है जिन्हां नूं देर तक कम करन अते करवाउण दी आदत है। WHO ने आगाह कीता है कि कोरोना महामारी दे दौर विच एह आदत जानलेवा साबित हो सकदी है। WHO ने कहा कि हर साल हजारां लोक लंबे कम काजी घंटियां दे चलदे अपनी जान गवाउंदे हन ते कोरोना महामारी नाल हालात ज्यादा खराब हो सकते हन। WHO दे तकनीकी अधिकारी फ्रैंक पेगा ने एक न्यूज़ विच दसिया कि देर तक कम करना खतरनाक हो सकता है अते अंकड़े इस दे गवाही दे रहे हन। उन्होंने कहा कि 2000 तो 2016 यानी 16 सालां विच दिल संबंधी बीमारियां नाल होण वालियां मौतां विच अनुमानित 42% दा वाधा दर्ज किया गया है, जदों के स्ट्रोक दे मामलियां विच 19% वाधा है, जो दसदा है कि हालात चंगे नहीं हन। ₹500 सस्ता मिल रहा गोल्ड, अज तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की विक्री शुरू। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि सोना खरीदना काफी शुभ मन्या जांदा है। अज तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की विक्री शुरू हो रही है। वित्ती साल 2021-22 लई सोवरेन गोल्ड की पहली किश्त 17 मई तो 5 दिन लई खुलेगी। RBI वालों जारी की इस स्कीम विच बैंका जरिए निवेश किया जा सकेगा। RBI ने इसकी कीमत जारी कर दिती है। इस वार लई RBI ने प्रति ग्राम का भा 4,777 रुपए तय किया है। डिजिटल माध्यम जरिए अदायगी करन ते 50 रुपए प्रति ग्राम की छोट भी मिलेगी। अज तो 21 मई तक बॉन्ड विच निवेश किया जा सकेगा अते 25 मई नू बॉन्ड जारी किए जाएंगे। मंत्रालय मुताबिक बॉन्ड स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नामी डाकघर अते मानता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजा, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अते बंबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड माध्यम जरिए वेचे जाएंगे। भारतीय उद्योग कोरोना आफत दरमियान अपने मुलाजमान की सहायता लई आया अगे। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि देश विच कोरोना की लागत दे वध रहे मामलिया दरमियान भारतीय उद्योग अपने कर्मचारियों अते उना दे परिवारां दी मदद लई अगे आया है। इस दे नाल ही ओह सरकारां दी मदद लई भी कदम चुक रहे हन। कई कंपनियां कोविड महामारी नाल प्रभावित कर्मचारियों दे परिवारां नू वित्तीय सहायता, दवाइयां अते होर सहायता
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬੋਰੋਸਿਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾੜੀ ਖਬਰ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ, ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 4.5 ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰੇਲੀ ਰਾਜੂਲਾ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਨੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਉਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।